आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। शिवरी नारायण में कोविड 19 के नियमों का उल्लंघन करने वालों का काटा गया चालान। जांजगीर चांपा जिले के टेंपल सिटी शिवरी नारायण में तहसीलदार प्रकाश साहू और सीएमओ हितेंद्र यादव व शिवरी नारायण पुलिस टीम ने लॉकडाउन खुलने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदार और चौपाटी व रोड में बेवजह घूमने वाले लोगों के ऊपर चालानी कार्रवाई कर उन्हें दोबारा गलती नहीं करने की हिदायत दी। समझाइश के बाद भी अपनी दुकान 6 बजे पहले बंद नहीं करते हैं तो उनकी दुकानों को 2000 की फाइन कर 1 महीने के लिए तत्काल सील कर दिया जाएगा और बेवजह बाहर घूमने वालों के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरी कार्रवाई में शासन प्रशासन की राजस्व की टीम, नगरीय निकाय की टीम, पुलिस टीम साथ में रहकर इस अभियान में शामिल रही। वहीं तहसीलदार एवं सीएमओ ने सभी से निवेदन करते हुए कहा कि गाइडलाइन का सभी पालन करें। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक के बाद नाइट कर्फ्यू है जिसका पालन सभी करें। लापरवाही करते पाए जाने वाले दुकानदार, ग्राहक एवं नागरिकों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में जिला जांजगीर चांपा ब्यूरो चीफ गौरव रायसागर की रिपोर्ट। तो सर आज लॉकडाउन का पहला दिन है, लोगों ने नियम को नहीं पालन किया, आपके द्वारा क्या करें? जी आज चूँकि माननीय जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा शाम 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का आदेश मिला हुआ है, जिसके परिपालन में आज हम लोग पूरी पुलिस की टीम, राजस्व की टीम और नगर पंचायत की टीम शाम 5 बजे से ही हम लोग पूरे शहर का भ्रमण कर रहे थे और 6 बजे तक एनी हाउ दुकान बंद करके सबको अपने घर में घुसने के लिए बार बार निर्देश दिए। बावजूद इसके कुछ लोग 6 बजे 6:30 बजे, कुछ लोग 6:15 बजे, 7:45 बजे तक दुकानें खोल के रखे थे, तो आज टोटल 10 दुकानों पे हम लोग चालानी कार्रवाई किए हैं। लगभग 7000 रुपये उनसे जुर्माना वसूला गया है और लगभग 10-12 लोग जो बिना मास्क के घूम रहे थे उन पे भी हम लोग 100-100 रुपये का चालानी कार्रवाई किए हैं। और कल अगर उनके द्वारा फिर उल्लंघन किया जाता नियम का तो उनके दुकानों जी सबको यही संदेश दूंगा, कल से सभी के सभी दुकान वाले इन नियमों का पालन करें। शाम को 5:58 में एनी हाउ उसका दुकान बंद हो जाए, 6 बजे तक वे आदमी अपने घर को चले जाएं। 6 बजे के बाद अगर कोई भी दुकान खुली मिली या कोई भी व्यक्ति रोड में बेवजह घूमता मिला तो उन पर हम लोग सीधे चालानी कार्रवाई करेंगे और दुकानों को सील कर देंगे सीधे 30 दिवस के लिए, क्योंकि 12 घंटे का बिजनेस पर्याप्त होता है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का बिजनेस है, इस दौरान जितना भी व्यापार करने उनको कर लें और 6 बजे के पहले अपने घर में सुरक्षित पहुँच जाएँ। सभी व्यापारी बंधु से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी दुकानदार थे जो मास्क और सैनिटाइज़र जो सामने नहीं रखे हैं तथा साथ ही साथ गोल घेरा नहीं लगाए हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया गया है और कल से जिनके दुकान में सामने ये चीज़ नहीं पाया जाएगा उनको सील कर दिया जाएगा, उनके दुकानों को सील कर दिया जाएगा। दुकान के बाहर जो भी सामान बाहर निकाल कर बेचते हैं या उनके बाहर जो भी नाली के आगे व्यवस्था के जो बना के रखे हैं उनको भी हटाना पड़ेगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।